नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीएससी हेल्प डेस्क में स्वागत है। मैं चित्रांशु दोस्तों, आप सभी को बताया था इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, इकोनॉमिक सर्वे सीएससी करेगी। दोस्तों आपको बताया था कि आप 5 यूनिट और 5 सुपरवाइजर जुड़ेंगे, और आपने यूट्यूब पे कई वीडियो देखी होगी, किसी ने बताया था कि आपको एक सुपरवाइजर के अंडर 5 यूनिट रहेंगे। ऐसे ऐसे आपने कई वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, मैं चैनल का नाम तो नहीं बता सकता लेकिन देखी होगी आपने दोस्तों। लेकिन अब आपको बताया था यूमेटर के लिए सिर्फ आप हाई स्कूल पास होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बदल दी गई, क्वालिफिकेशन कुछ बदल दिया गया है। दोस्तों आई एम नहीं, वो क्वालिफिकेशन क्या है और क्या बदलेगी, कुछ क्राइटेरिया और कुछ नॉलेज और बताते हैं ऑफिशियल डेटा के थ्रू। अभी तक तो मैं आप सभी को आंकड़ा बताया गया था, आपकी सारी जितनी वीडियो देखी होगी अपने आंकड़ा बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको ऑफिशियल मिलेगी, आप जाके खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और प्लीज रेड वाला बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास मेरी वीडियो जो सबसे पहले नोटिफाई होगी, और आप देख उसको रजिस्ट्रेशन करके आप अच्छा वर्क अच्छी कमाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे अगर पा जाएंगे तो आप अच्छी कमाई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इकोनॉमिक सर्वे का वर्क करें और अच्छी खासी कमाई कर सकें। आप फ्रेंड्स हो गए, रिलेशन वाले हो गए, सबके साथ शेयर करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। दोस्तों चलिए जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ जो न्यूज़ आई है। दोस्तों जैसे ही आप नया डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, मैं पहले से लॉगिन कर दिया हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत ही बोरिंग वीडियो लगेगी और बहुत लंबी बन जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं मैं लॉगिन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं होम पेज पे आ गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। रजिस्टर्ड फॉर यूनिटर, रजिस्टर्ड फॉर सुपरवाइजर, आपने रजिस्ट्रेशन करके दिया होगा कई यूनिटर कई सुपरवाइजर, मैंने तो 5 यूनिटर और 1 सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन दिया, यहाँ मैंने कर दिया। दोस्तों इधर देख सकते हैं कॉर्नर में आप CSCERT न्यू रजिस्ट्रेशन और लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डाउनलोड FAQ। दोस्तों यहाँ पे आप पहले FAQ का ऑप्शन नहीं था लेकिन अब आ गया है। दोस्तों कुछ अपडेट है, कुछ CSC यूजर्स ने CSC से कुछ पूछा था सवाल, उसका कुछ आंसर दिया गया है CSC के जरिए। दोस्तों आइए जानते हैं वो आंसर क्वेश्चंस क्या हैं। दोस्तों उसके लिए तो आपको पहले ये डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ क्योंकि आपका टाइम ना खराब हो, इसीलिए देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा PDF में करके, लेकिन अगर आप लोग को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो तो आप लोग जाके वहां से ले सकते हैं इसका लिंक। दोस्तों आइए चलते हैं नीचे स्लाइड करके देखते हैं क्या क्या ऑफिशियल न्यूज है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक सेंसस बताया, मैं आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही बताऊंगा क्योंकि टाइम आपको बहुत बोरिंग लगेगा ये वीडियो। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हु इज सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कौन हो सकता है, और व्हाट इज द जॉब ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का जॉब क्या होगा। दोस्तों सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ यूनिटर, 100% सुपरविजन ऑफ यूनिटर्स एक्टिविटी विल बी डन बाय सुपरवाइजर एंड डेटा इज क्वालिटी सर्टिफाइड बाय द सुपरवाइजर। दोस्तों सुपरवाइजर को वर्क ये होगा कि वो जाके यूनिटर से कहेगा, यूनिटर जाएगा फील्ड में वर्क करेगा, जो फील्ड में वर्क करके सुपरवाइजर को देगा, और सुपरवाइजर उसको डेली का डेली अपने सिस्टम पे या स्मार्टफोन या कंप्यूटर से अपलोड करेगा साइट पे, जो उसकी साइट जाएगी। कुछ ट्रेनिंग पीरियड होगा, क्या होगा ट्रेनिंग होगा कैसे होगा सीधे आप ये नहीं बताएगा, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ यूनिटर एंड सुपरवाइजर। दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होगा यूनिटर और सुपरवाइजर का क्वालिफिकेशन। दोस्तों पहला जानते हैं यूनिटर का क्वालिफिकेशन, मिनिमम हायर सेकेंडरी, यूनिटर 12th पास होना चाहिए मिनिमम, सबसे कम एजुकेशन का 12th होना चाहिए यूनिटर का, और सुपरवाइजर के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन, और सुपरवाइजर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो उसका, चाहे BA चाहे BSc या MCOM जो भी हो कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग अ स्मार्टफोन, दोस्तों यूनिटर और सुपरवाइजर दोनों को बेसिक नॉलेज ऑफ मोबाइल चलाने की, स्मार्टफोन चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों व्हाट इज यूनिटेशन ब्लॉक, दोस्तों ये क्या होगा मैं आगे बताऊंगा क्योंकि आगे अच्छे से डिस्क्राइब किया मैं इसको पढ़ा। दोस्तों अब जानते हैं एक सुपरवाइजर के अंदर कितनी यूनिटर रहेंगे। दोस्तों एक सुपरवाइजर के अंदर 3 से 5 यूनिटर रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है आप भी पढ़ सकते हैं, आपको लिंक में दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हाउ मेनी हाउस होल्ड कवर्ड एन यूनिटर ब्लॉक, दोस्तों 110 हाउस कवर्ड एंड 1 यूनिटेशन ब्लॉक। यूनिटेशन ब्लॉक माने आपको 3 ब्लॉक मिलेगा, यूनिटेशन आपको जाकर 3 ब्लॉक में करना होगा, ब्लॉक माने आपको एरिया मिलेगी, एक वियरली आपको सुपरवाइजर एरिया देगा, आपको जाके यहाँ 3 यूनिट और 310 हाउस होल्ड को कवर करना होगा। दोस्तों कुछ उसका दिया होगा टाइमिंग दिया होगा, इतने दिन में आप जाके कवर करेंगे 310 हाउस होल्ड को। दोस्तों सैलरी तो अभी कुछ बताई नहीं गई है, दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 1 यूनिटर रहेगा उसके अंदर 3 ब्लॉक रहेंगे और 310 हाउस होल्ड को वो कवर करना है उसको कुछ उसके अंदर यूनिटर। दोस्तों अब आते जानते हैं ये सब इस्टेब्लिशमेंट वगैरह आप पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी बनेगी। दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमको आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपको मैं बताऊंगा। एक जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाउस, व्हाट इज हाउस होल्ड, ए हाउस होल्ड इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूजुअली लिव इन टू किचन आर टेकिंग देयर मील्स फ्रॉम अ कॉमन किचन। दोस्तों एक परिवार जो एक किचन से कई
लोग अगर लेते हो कॉमन मील या फूड वगैरह बनता हो एक किचन से, तो उसको एक फैमिली कहेंगे। जैसे एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं, तो अगर 10 लोग एक ही किचन से खाना खा रहे हैं तो एक फैमिली होगी। अगर 10 लोग का 2 किचन है, 5 फैमिली लोग इसमें हैं, 5 फैमिली इसमें है, तो 2 परिवार उनको माना जाएगा, 2 हाउसहोल्ड उनको काउंट किया जाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कुछ व्हाट इज सेंसेस ऑफ हाउस, ये सब दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट पे करके या मेरे ईमेल पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज दी वर्क फ्लो द इंटरेस्टेड यूनिट सुपरवाइजर फॉर वी आर वी। दोस्तों इन सभी का वर्क क्या होगा, सबसे पहले जानते हैं कैसे वो इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सुपरवाइजर और मीटर के थ्रू, ठीक है। दूसरा आपको इंट्रेंस एग्जाम फॉर मीटर एंड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का इंट्रेंस एग्जाम होगा, वो एग्जाम देंगे, अगर क्वालिफाई करेंगे तभी सुपरवाइजर और मीटर बन सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ यूनिटर एंड सुपरवाइजर, दोस्तों एग्जाम होने से पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, यूनिटर और सुपरवाइजर जो रहेगा उसकी ट्रेनिंग होगी, कुछ दिन के लिए ऑनलाइन होगी कि आपको कहीं जाना होगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में तो अभी कुछ न्यूज आया नहीं है। फाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर 5 to 10 days, दोस्तों 5 से लेकर 10 दिन तक फाइनल एग्जाम होगा, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे यूनिटर और ट्रेनिंग होगी आपकी तब। सर्टिफिकेशन आप यूनिटर एंड सुपरवाइजर, जब आप पास आउट हो जाएंगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूनिटर सुपरवाइजर का कि आप कर सकते हैं इसका सर्वे। इकोनॉमिक्स यूनिटेशन थ्रू यूनिटर्स टोटली फील्ड बेस्ड एक्टिविटी, दोस्तों अगर आप यूनिटर करेंगे तो आपको टोटली फील्ड, आपको घर घर जाके वर्क करना पड़ेगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा, सारी जानकारी आप सुपरवाइजर को देंगे, टोटली फील्ड बेस्ड। और सुपरवाइजर के लिए डाटा सुपरविजन थ्रू सुपरवाइजर फील्ड एंड नॉन फील्ड बेस्ड एक्टिविटी, दोस्तों जो सुपरवाइजर रहेगा वो उनको दोनों वर्क करना पड़ेगा, फील्ड और नॉन फील्ड दोनों का वर्क करना पड़ेगा। और कुछ रुपए आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था लेकिन वो आना ऑफिशियल न्यूज़ है दोस्तों, 15 से 20 रुपए मिलेगा हर फैमिली पे, ऐसा कुछ बताया था मैं, लेकिन वो दोस्तों अनऑफिशियल न्यूज़ है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा, हो सकता है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वो सही है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आप सभी इस वीडियो को देख के अपना एक्शन करेंगे सुपरवाइजर और यूनिटर के थ्रू। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड वाला बटन इसको दबा दें और बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि वो भी सभी इकोनॉमिक सर्वे कर सकें और अच्छी कमाई कर सकें। दोस्तों फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, जय हिंद।